उनकी पोईम पढ़ने से पहले मैं थोड़ा नीरज जी के बारे में बताना चाहूँगा, ताकि आप कोरिलेट कर सकें कि उन्होंने जीवन उनका कैसा था। जैसे डोगरा जी ने कहा कि उनका पिताजी का बचपन में देहांत हो गया था, तो उनका बचपन बहुत ही दुख में बीता। उन्होंने रिक्शा खींचा, तांगा चलाया, पर किसी का के हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने अपने एक में लिखा कि मैं जन्मा इसलिए कि थोड़ी उम्र आंसुओं की बढ़ जाए। अपने दुख को व्यक्त करते हुए कहते हैं, मेरा कुर्ता सिला दुखों ने, बदनामी ने काज निकाले। तो 17 साल की उम्र में उनको पहला निमंत्रण मिला कवि सम्मेलन का, और अगले साल जब वो कवि सम्मेलन में सदारत कर रहे थे जिगर मुरादाबादी, तो जब नीरज जी ने अपना कलाम सुनाया तो उनके बाद उन्होंने उनकी तारीफ़ की कि ये लड़का क्या पढ़ता है। नीरज जी ने जिगर मुरादाबादी के पाँव छुए तो उन्होंने आशीर्वाद में उनको कहा, तुम्हारी उम्र दराज हो और तुम्हारा रुतबा बुलंद हो। ये दोनों दुआएं बिल्कुल फली, उनका उम्र भी दराज हुई और उनका रुतबा भी बहुत बुलंद हुआ। फिर एक शायर, आपको पता हफीज़ जालंधरी, जो पाकिस्तान के, जिन्होंने नेशनल सॉन्ग भी लिखा है, उन्होंने, वो सरकार के मुलाजिम थे, तो उन्होंने नीरज जी को बुलाया उनकी शायरी और वो देख के कि भाई ये किसी तरह से अंग्रेजी सरकार के काम आ सके, 120 रुपए पे उनको रख लिया। जब उनको लिखने के लिए बोला तो नीरज जी की कलम में तो पूरा देशभक्ति थी, तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ तो कुछ लिख नहीं सकते थे, तो वो उनकी नौकरी भी उन्हें छोड़नी पड़ी। उन्होंने उस पर लिखा था कि अपनी आत्मा बेच कर अगर मिले सम्मान, तो इस सम्मान से अच्छा है अपमान। तो जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको कहा कि माफ़ी मांगो नहीं तो जेल जाओ। तो बाकी लोगों ने माफ़ी मांग ली, कुछ लोग थे जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उनमें से नीरज जी भी थे, और वो जेल चले गए। उसके बारे में फिर जेल से छूटकर उन्होंने बिहड़ जंगलों में जाके बंदूक चलाना भी सीखा, और उन्होंने फिर ये लिखा, जिसको गोली की ही बोली में मज़ा आता हो, जिसको गोली की बोली में ही मज़ा आता हो, कैसे समझेगा वो माने गज़ल रुबाई के। फिर वो देश आज़ादी के उसमें शामिल हो गए और अलग जगाते रहे। फिर उन्होंने लिखा, जागते रहिए, जमाने को जगाते रहिए, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाते रहिए, हमने कल रात जलाए थे जो चौपालों पर, उन अलामों की जरा राख हटाते रहिए। फिर जब आज़ादी मिली तो उन्होंने जो कत्लोगारत हुआ उसके बारे में फिर लिखा, प्यार की धरती अगर बंदूक से बांटी गई, एक मुर्दा शहर अपने दरमियाँ रह जाएगा, आग लेकर हाथ में पगले जलाता है किसे, जब न ये बस्ती रहेगी तू कहाँ रह जाएगा। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वो 12th पास कर चुके थे उसी साल, तो उनको एक असिस्टेंट की कानपुर में नौकरी मिल गई। तो जो ऑफिसर था उसने लॉग बुक साइन करने को कहा, तो उन्होंने लॉग बुक साइन करने से मना कर दिया कि मैं गलत एंट्री साइन नहीं करूँगा, तो उन्होंने फिर उसको सस्पेंड कर दिया, और बाद में थोड़े दिन के बाद उनको नौकरी छोड़ भी दी उन्होंने। फिर उस पर उन्होंने लिखा था कि उसको सुकरात की मानिंद जहर पीना पड़ा, जिसने भी फ़र्ज़ निभाया यहाँ सच्चाई का। और एक और लिखा था कि हानि लाभ की वो सोचे जिनकी मंजिल धन दौलत है। फिर 1953 में, तब वो कानपुर में ही नौकरी कर रहे थे, जो फिल्म इंडस्ट्री के विषम पितामह पुरोधा पृथ्वीराज कपूर वहाँ अपना नाटक मंडली के साथ आए, उन्होंने नीरज जी को 3 घंटे लगातार सुना और उनको ऑफर दी कि आप आके फिल्म में गीत लिखिए, उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद कुछ महीने बाद वो घटना घटी, बहुत दुखद घटना, जिसने ये गीत लिखवाया और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे। उनके एक परिवार के कोई दूर की शादी थी, तो उसमें जब फेरे चल रहे थे तो जो दुल्हन थी उसके कपड़ों में आग लग गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो वो बहुत व्यथित हुए। फिर उन्होंने जो लिखा, अगर आप उस गीत को देखेंगे तो उसमें लिखा है, पर तभी जहर भरी गाज एक वह गिरी, पूछ गया सिंदूर, तार तार हुई चुनरी,
और हम अजान से दूर के मकान से पालकी लिए हुए कहार देखते रहे, कारवां गुजर गया देखते रहे, स्वप्न जड़े फूल से मीत मिले छूल से, लुट गए श्रृंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे। हारे हुए परिंदे जरा उड़ के देख तो, आ जाएगी जमीन पे छत आसमान की, बुझाए सरे शाम ही जैसे कोई चिराग, कुछ यूं है शुरुआत मेरी दास्तान की, जो लूट ले कहार ही दुल्हन की पालकी, हालत यही है आज हिंदुस्तान की। औरों के घर की धूप उसे क्यों पसंद हो, बेची हो जिसने रोशनी अपने मकान की, जुल्फों के पेचोगम में उसे मत तलाशिए, ये शायरी जुबान है किसी बेजुबान की, नीरज से बढ़कर और धनी कौन है यहाँ, उसके हृदय में पीर है सारे जहान। गुस्ताखी बात।